बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हो? अगर बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हो तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया पढ़ने से पहले अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? नमस्कार, मैं मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो उस टॉपिक का नाम है, आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग क्या है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या है? देखो, 1884 से पहले, कब 1884 से पहले क्या होता था कि क्या हमें पता नहीं था कि बैक्टीरिया क्या है? पता था, ठीक है, उससे पहले ही बैक्टीरिया का डेवलप हो चुका था। ठीक है, हमें ये पता था कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे दिखते हैं, बैक्टीरिया का शेप कौन सा है, बैक्टीरिया का साइज कौन सा है, ये हम एक स्टेनिंग के द्वारा देख सकते थे। तो उस स्टेनिंग का नाम था सिंपल स्टेनिंग। क्या नाम था? सिंपल स्टेनिंग। अब ये जो सिंपल स्टेनिंग थी, इससे हम बैक्टीरिया का बस ये देख पाते थे कि हाँ बैक्टीरिया मोटाइल है, कोकाई है या फिर बेसिलाई है, कौन सा साइज उसका है, कौन सा शेप उसका है, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है या फिर नाइजीरिया मेनिनजाइटिस है, तो ये हम उसके द्वारा देख पाते थे। तो स्टेनिंग तो हम पहले भी यूज की जाती थी, लेकिन उसका नाम था सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग इसको कहा जाता था क्योंकि इसमें केवल एक ही डाई का यूज होता था। ठीक है, एक ही डाई का यूज होता था तो बैक्टीरिया को केवल एक ही कलर मिल पाता था। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई भी वर्ड लिखूं, ठीक है, यहाँ पर जिसे मैं ग्राम लिख दिया मैंने, ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो अब मुझे ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, या फिर जो मैंने ये सिंपल लिखा है ये ज्यादा अच्छे से दिख रहा है? जो हाईलाइट किया हुआ है वो ज्यादा बेटर दिखेगा। तो उसी प्रकार से सिंपल स्टैनिंग यूज की जाती थी बैक्टीरिया को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये तो हम पहचान जाते थे, लेकिन हम स्टैनिंग के द्वारा पहचानते थे। फिर 1884 के बाद एक नई टेक्निक आई, एक नई टेक्निक आई जो हम पढ़ते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, हम आपने पढ़ा ही होगा, ये जो नए स्टूडेंट है वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप ग्राम स्टेनिंग पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 1884 के बाद में एक नई टेक्निक आई, उस नई टेक्निक में बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और एक ग्रुप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। कैसे डिफ्रेंशिएट किया, क्यों दिया गया इनको ये नाम, ये सब अभी हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1884 के बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ग्राम। कब? 1884 में हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने एक नई टेक्निक दी, जिनके आधार पर नई टेक्निक दी, उस टेक्निक के आधार पर बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो चलो पहले मैं ये बता देती हूँ, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया इस ग्राम स्टेन से स्टेन होते हैं, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ग्राम बैक्टीरिया या ग्राम्स बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, तो जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है तो वो एसिड फास्ट स्टेनिंग से स्टेन होता है, इसलिए हम उसको एसिड फास्ट बेसिलाई भी कहते हैं। तो वो एसिड फास्ट से स्टेन हो रहा है इसलिए उसको हम एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं। इसी प्रकार जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग से स्टेन होता है उसको हम ग्राम्स बैक्टीरिया कहते हैं। और उन ग्राम्स बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। किसके आधार पर किया अभी हम देखेंगे। तो किसने किया ये, एक
साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो 1884 से पहले सिंपल स्टैनिंग हुआ करती थी जिससे हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी देख सकते थे। उसमें एक डाई यूज की जाती थी, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डाइस का यूज करके बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया, इसीलिए इसको हम डिफरेंशियल स्टैनिंग भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना कि ग्राम स्टैनिंग को डिफरेंशियल स्टैनिंग भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है कि दिस इज डिफरेंशियल स्टैनिंग प्रोसीजर यूज इन बैक्टेरियोलॉजी। बैक्टेरियोलॉजी में यूज की जाती है जो कि एक डिफरेंशियल स्टैनिंग है। तो डिफरेंशिएट क्या डिफरेंशिएट करता है, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब आती है बात कि स्पेसिमेन हमें क्या लेना है। स्पेसिमेन हम ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन ले सकते हैं, पस से ले सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स ले सकते हैं, यूरिन ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं, ब्रोथ कल्चर ले सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ स्पेसिमेन हम ले सकते हैं। कोई सा भी स्पेसिमेन लिया हमने, लेने के बाद में हम एक स्मियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक स्मियर बनाते हैं स्लाइड के ऊपर, अभी मैं आगे बताऊंगी। उस स्मियर को हम फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद हम ग्राम स्टेन से स्टेन करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन से स्टेन होते हैं उसको हम ग्राम्स बैक्टीरिया कहते हैं। तो हम इसमें स्टेनिंग यूज कर रहे हैं, मतलब कि डाई यूज कर रहे हैं। अब देखना कि किस आधार पर इसको डिफरेंशिएट किया गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डाई यूज करते हैं। कौन कौन सी करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वैसे तो जो मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाई है बैक्टीरिया की, उसमें मैंने डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये उसका स्ट्रक्चर है, उसकी सेल वाल है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। यही कंपोनेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, और ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि होता क्या है कि जब हम ग्राम स्टेनिंग में जो प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। जेंटन वायलेट भी यूज कर सकते हो, मिथाइल वायलेट भी यूज कर सकते हैं उसमें, अभी मैं आगे रिएजेंट में बताऊंगी, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, तो क्रिस्टल वॉयलेट हम यूज कर रहे हैं जो कि प्राइमरी स्टेन होती है, और कौन से कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है। ठीक है, पर्पल कलर की होती है प्राइमरी स्टोन, हम प्राइमरी स्टेन हम उसको कहते हैं। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जब क्रिस्टल वॉयलेट इस स्टेन इस स्लाइड के ऊपर डालते हैं, जो हमारा स्पेसिमेन है उसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट, तो वो क्रिस्टल वॉयलेट इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर भी जाएगा और इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर भी जाएगा। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर मैं पूरी क्लास ले चुकी हूँ, उसमें मैंने विथ डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बताया है, तो वहां से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंस में नहीं बताऊंगी। तो जब हम इसमें क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट हमने पोर किया, उसको एक मिनट तक हम रखते हैं, तो ये तो हो गई पहली प्रोसीजर कि हमने क्रिस्टल वॉयलेट ऐड कर दिया। अब बात आती है कि सेकेंड स्टेप पर, सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर यूज करते हैं डीकलराइजर, वो एल्कोहल भी यूज कर सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट एल्कोहल या एसीटोन। ठीक है, एसीटोन हम यूज करते हैं, तो ये क्या है, एक डीकलराइजर है। ठीक है, इसमें मॉर्डेंट भी यूज करते हैं हम, तो मॉर्डेंट ये अभी आगे प्रोसीजर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी बस मैं ये आपको बता रही हूँ कि सेल वाल के आधार पर बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिफरेंशिएट किया गया है किसके आधार पर, सेल वाल के आधार पर। तो हम जो सेकंड जो हमारा इंग्रेडिएंट्स में यूज कर रहे हैं वो है अल्कोहल या फिर एसीटोन, जो कि क्या है, एक डीकलराइजर है। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि डीकलराइजर मतलब कि कलर को हटाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो कलर हमने दिया है, पर्पल कलर जो हमने दोनों बैक्टीरिया को दिया है, हमने एक स्लाइड बनाई है, इस स्लाइड के अंदर
हमारे अभी दोनों बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि इसके अंदर दोनों बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने भी पर्पल कलर लिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने भी पर्पल कलर लिया। अब जब हम डीकलराइजर यूज करते हैं कलर को हटाने के लिए, वो हम बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए रखते हैं, उसको ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखते हैं। तो होता क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल तो मोटी होती है, मतलब कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट होती है और इसके अंदर कम होती है। तो आसानी से किसमें से कलर निकलेगा आप सोचो, ठीक है। अब देखो इतनी छोटी सी बात है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिन है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक है, तो आसानी से कलर किसमें से निकलेगा, ग्राम नेगेटिव में से, मतलब कि ये तो डीकलराइज हो जाएगा, इसमें कोई कलर नहीं बचेगा। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो मोटी होने के वजह से इसका जो डीकलराइजर है वो अंदर तक नहीं जा पाता है, वो ऊपर ऊपर से कलर को हटा देता है लेकिन ये नीचे से कलर को नहीं हटा पाता है। इसी कारण से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करते हैं, वो डीकलराइज नहीं होते हैं। इसी कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर जो है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और वो किसको रिटेन करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट को। अब आती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फिर रेड कैसे दिखते हैं, दिखते हैं डीकलराइज करने के बाद, मतलब कि इनका तो कोई कलर ही नहीं बचा, इसने तो पर्पल कलर ले लिया पर इसने कोई कलर, इसका कलर जो है वो निकल गया जो पर्पल ले रखा था। उसके बाद में लास्ट में हम यूज करते हैं काउंटर स्टेन, ठीक है, क्या यूज करते हैं, काउंटर स्टेन, सेफ्रेनिन हम यूज करते हैं काउंटर स्टेन में, जो कि रेड कलर की होती है। तो लास्ट में जो हम डाई डालते हैं इसके अंदर काउंटर स्टेन, जो कि रेड कलर की होती है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उस रेड कलर की डाई को ऑब्टेन कर लेते हैं, सेफ्रेनिन को ऑब्टेन कर लेते हैं, काउंटर स्टेन को ऑब्टेन कर लेते हैं, इसीलिए इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया है, ये क्योंकि ये रेड कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को दो ग्रुप में कैसे डिफरेंशिएट किया, सेल वॉल के आधार पर आपको पता चल गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल मोटी होती है तो वो डीकलराइज नहीं होती है, प्राइमरी काउंटर स्टेन उसमें रिटेन रहती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पतली होती है, उसके कारण ये आसानी से डीकलराइज हो जाती है। तो ये आखिरी की जो हम काउंटर स्टेन यूज करते हैं ये उस डाई को रिटेन करती है, उस डाई को पकड़ के रखती है, इसलिए ये रेड कलर के हमें दिखाई देती है। क्लियर है किस तरीके से हमने देखा। अब इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या कहता है इसका कि ग्राम स्टेन बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल टू रिटेनिंग द क्रिस्टल वॉयलेट डाई ड्यूरिंग सॉल्वेंट ट्रीटमेंट। वही बात जो मैंने आपको बताई कि ग्राम स्टेनिंग जब हम करते हैं तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, के ऊपर बेस्ड है कि वो कौन सा कलर को रिटेन करेगा और किसको डीकलराइज करना है। तो जो ग्राम स्टेन बैक्टीरिया में हम सबसे पहले प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, तो कुछ बैक्टीरिया जो कि क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन कर लेते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एक और याद करने का तरीका आपको है, अगर आपको कलर याद नहीं रहता हो, वैसे तो बहुत ईजी है, पर एक ग्राम पॉजिटिव और पर्पल कलर दोनों में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, पॉजिटिव में भी पी और पर्पल में भी पी, मतलब कि पॉजिटिव पर्पल कलर का दिखाई देता है, बाकी बचा हुआ रेड है, ठीक है। तो द एयर ड्राई फिक्स्ड स्मियर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो हमने बैक्टीरिया से जो स्मियर बनाया है बैक्टीरिया को देखने के लिए स्लाइड पर, ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, एयर ड्राई करने के बाद फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद जब हम क्रिस्टल वॉयलेट उसमें ऐड करते हैं, प्राइमरी स्टेन जिसे हम कहते हैं, तो पिक अप द स्टेन लुक पर्पल इवन आफ्टर वॉश्ड विद अल्कोहल लुक पर्पल कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि फिक्स करने के बाद में उसमें क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करते हैं तो क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करने के बाद वो पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन हम उसमें डीकलराइजर ऐड कर देते हैं, अल्कोहल ऐड कर देते हैं, एल्कोहल ऐड करने के बाद डीकलराइज करने के बाद भी वो पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, तो उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। देन हम उसमें आयोडीन यूज करते हैं, आयोडीन जो है वो एक्ट एज मोर्डेंट, मोर्डेंट की तरह काम करता है, यानी कि
जो कलर लिया है बैक्टीरिया ने उसको पकड़ के रखता है, एज मतलब ब्रीच की तरह काम करता है, ठीक है। और इसकी जो मार्फोलॉजी है उसको भी इन्हेंस करता है, यानी कि बैकग्राउंड को, इस स्टैनिंग को भी इन्हेंस करता है। तो दैट एल्कोहल, उसके बाद क्या होता है, दैट एल्कोहल एसीटोन डीकलराइजिंग ट्रीटमेंट वॉश अवे द क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सम बैक्टीरिया लिविंग द लिविंग देन कलरलेस नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी कि क्या कह रहा है ये कि डीकलराइज रेड करने के बाद में कुछ बैक्टीरिया उस कलर से डीकलराइज हो जाते हैं, पर्पल कलर जो है उसमें से निकल जाता है, उन बैक्टीरिया को हम कह देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जबकि जो कलर को रिटेन कर लेता है उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑन अदर हैंड देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द पर्पल कलर, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। काउंटर स्टैनिंग विद सेफ्रेनिन स्टेन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टर्न रेड। काउंटर स्टेन से जब हम स्टेन करते हैं जो कि कलरलेस हो चुके थे, तो काउंटर स्टेन से जब हम स्टेन करते हैं उसको, तो वो फिर से अपना कलर चेंज करके, मतलब कलर था ही नहीं हालांकि पहले, तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है और उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। व्हेन द अंडर माइक्रोस्कोप, हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड कलर के दिखाई देते हैं। ये तो किस कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें देखने को मिलता है जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया तो हमें उससे एक और हेल्प मिलने लगी, एक तो कल्चर मीडिया के लिए, ठीक है, कल्चर मीडिया को हम देख सकते हैं कि हाँ ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है कल्चर मीडिया है। बायोकेमिकल टेस्ट में भी हमें हेल्प मिली, तो डिफरेंशिएट करने से, बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें बहुत सारे मतलब जैसे टेस्ट में हेल्प मिलती है, ठीक है। अगला आता है हमारा रिएजेंट, क्या क्या यूज में लेते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है वैसे कि प्राइमरी स्टेन जो हम यूज करते हैं वो है क्रिस्टल वायलेट, हम यूज कर सकते हैं जेंटिन वायलेट, हम यूज कर सकते हैं मिथाइल वायलेट भी हम यूज कर सकते हैं, तो ये आपको याद में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। मोर्डेंट हम यूज करते हैं, तो मोर्डेंट का काम क्या है, बैक्टीरिया ने जो कलर रिटेन किया है उसको पकड़ के रखना, यानी कि ब्रिज की तरह काम करता है। तो मोर्डेंट हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ग्राम्स आयोडीन यूज करते हैं। डीकलराइजर में एब्सोल्यूट अल्कोहल और एसीटोन यूज कर सकते हैं। काउंटर स्टेन जो कि रेड कलर का होता है उसमें सेफ्रेनिन कार्बल फर्स्टीन और न्यूट्रल रेड हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया रिएजेंट, रिएजेंट को आप अच्छे से याद कर लेना कि किसका क्या नाम है। फिर अगला आता है हमारी प्रोसीजर के ऊपर बात, कि हमने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद हम स्मियर की प्रिपरेशन करेंगे, स्मियर बनाएंगे ना, तो स्मियर बनाने से पहले हमें ग्लास लाइट की जरूरत होगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, बुनसन फ्लैम की जरूरत होगी, नाइक्रोम लूप की जरूरत होगी, तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमें जरूरत लगती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक अ क्लीन ग्लास लाइट एंड स्टरलाइज एन इनोकुलेशन लूप इन द फ्लेम ऑफ बुनसन बर्नर, ठीक है। बुनसन बर्नर जो लैंप आता है जिसके ऊपर हम हीट करते हैं उसकी जरूरत हमें होगी। तो यहाँ पर एक ग्लास लाइट लेने के बाद में हम एक इनोकुलेशन लूप लेते हैं, ठीक है, इनोकुलेशन लूप लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो इनोकुलेशन लूप होता है, ठीक है, तो जाने का ही बन गया है, लेकिन इस तरीके का ही होता है, आगे से राउंड राउंड होता है, ये या तो प्लेटिनम का बना होता है या फिर नाइक्रोम का होता है, ठीक है। अब नाइक्रोम का ही क्यों यूज करते हैं, प्लेटिनम तो देखो बहुत महंगा है तो उसको तो यूज नहीं कर सकते इजिली, नाइक्रोम इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट भी हो जाता है और बहुत जल्दी कूल भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है बहुत जल्दी जब हम इसको हीट करते हैं, तो ये थोड़ी देर बाद जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है, इसलिए हम नाइक्रोम वायर लूप का यूज करते हैं। तो जो इनोकुलेशन लूप हमारे पास है उसको हमें बुनसन फ्लेम यानी कि जो बुनसन बर्न है, जो चिमनी है, ठीक है, जो चिमनी है हमारी ये, इसके ऊपर हमें इस इनोकुलेटर जो लूप है हमारा इसको हीट करना है, ठीक है, स्टरलाइज करना है। उसके बाद पुट वन ड्रॉप ऑफ स्पेसिमेन ऑन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड बाय इनोकुलेटिंग लूप। उसके बाद हमें एक जो क्लीन ग्लास स्लाइड दी है, ठीक है, तो इस नाइक्रोम लूप की मदद से जो स्टरलाइज हमने किया है उस नाइक्रोम लूप की मदद से हम हमारे स्पेसिमेन को इसके ऊपर डालेंगे और उसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे।
ये जो हमारा स्पेसिमेन है उसको हम इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है, पुट वन ड्रॉप ऑफ स्पेसिमेन ऑन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड बाय इनोकुलेटिंग लूप की मदद से हम उसको स्प्रेड कर लेते हैं। स्प्रेड करने के बाद हम उस स्लाइड को फिक्स करते हैं। फिक्स द एयर ड्राई स्मियर बाय पासिंग द स्लाइड 3 to 4 टाइम्स थ्रू द फ्लेम वेरी क्विकली विद द स्मियर साइड पासिंग अप। अच्छा, इसको फिक्स क्यों करते हैं हम, ताकि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज नहीं हो। ठीक है, उस सेल का स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का, वो उसको बचाने के लिए हम हीट करते हैं। ठीक है, यानी कि फिक्स करते हैं, सॉरी। तो फिक्स द एयर ड्राई स्मियर बाय पासिंग द स्लाइड 3 to 4 टाइम्स थ्रू द फ्लेम। ये जो हमारा बुनसन फ्लेम है इसके ऊपर हम स्लाइड को 3 से 4 बार इस तरीके से हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे और क्विकली विद द स्मियर साइड पासिंग, उसको हीट करेंगे अच्छे से ताकि वो स्मियर जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, स्मियर हमने बना लिया, फिर हमने फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद अगली स्टेप आती है हमारी स्टैनिंग। स्टैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से करेंगे हम, प्रोसीजर क्या होती है वो हम देख रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन से थ्योरी पर यह बेस्ड है। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो कौन से डाई को रिटेन करती है, उसके आधार पर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो स्टैनिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैन विद क्रिस्टल वायलेट। किससे स्टैन करते हैं, क्रिस्टल वायलेट, जो कि क्या है, एक प्राइमरी स्टेन है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्रिस्टल वायलेट ऐड कर दिया, ये हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर हमने ऐड किया क्या, क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, ये पर्पल कलर की होती है। डालने के बाद हम 1 मिनट का वेट करेंगे। 1 मिनट का वेट करने के बाद में फिर पोर ऑफ एंड पुट ग्राम आयोडीन, फिर इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, जो हमने 1 मिनट के लिए रखा था उसमें आयोडीन डालकर उसको पूरा इस तरीके से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद उसको डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करने के बाद हम फिर इसमें ऐड करेंगे क्या, पुट ग्राम्स आयोडीन, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ग्राम्स आयोडीन। ग्राम्स आयोडीन ऐड करने के बाद फिर हम उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट के लिए छोड़ा, छोड़ने के बाद में हम फिर क्या करेंगे, वॉश विथ टैप वाटर, जो टैप वाटर आता है नल से, ठीक है, उससे हमें वॉश करना है इसको। पर ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल स्पीड में नल चलाकर और स्लाइड रख दी नीचे, ऐसा नहीं करना है, वो पूरी वॉश हो जाएगी। ठीक है, तो रनिंग टैप वाटर पे हमें स्लाइड को वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम यूज करते हैं डीकलराइज्ड विद एसीटोन, यानी कि डीकलराइजर। ठीक है, एसीटोन मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं हम, तो डीकलराइज हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड में दोनों बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, या ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये हमारी स्लाइड, अगर इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो पर्पल कलर को रिटेन कर चुका होगा, इसको पर्पल कलर यानी कि क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर चुका होगा। और अगर इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यहाँ पर अगर का बहुत महत्व है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, अगर इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो पर्पल कलर को रिटेन कर चुका होगा। ठीक है, और अगर इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो भी इसने पर्पल कलर को रिटेन किया होगा। ठीक, यहाँ पर तो इसने दोनों कलर को रिटेन किया, लेकिन हम जो ये स्टेप यूज कर रहे हैं, 4th स्टेप यहाँ पर है हमारे डीकलराइजर की, तो जब हम डीकलराइजर ऐड करेंगे इसमें, तो ये बैक्टीरिया है जो कि पर्पल कलर का ही रहेगा। कौन सा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मैंने आपको बता दिया है उधर, बार बार मैं इधर नहीं बताऊंगी। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसने पर्पल कलर को रिटेन किया, ये डीकलराइज करने के बाद भी पर्पल कलर का ही रहेगा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कलरलेस हो जाएगा, उसका कलर रिमूव हो जाएगा। फिर हम इसको वॉश विद टैप वाटर वॉश करेंगे, टैप वाटर से वॉश करने के बाद में अगली स्टेप आती है हमारी, अप्लाई सेफ्रेनिन फॉर 1 मिनट। और हाँ, डीकलराइजर करते समय हमें बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब बहुत ज्यादा उसमें यूज कर लिया, बहुत ज्यादा टाइम तक डीप कर लिया, वरना जो प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट जो रिटेन किया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने, वो पता चला कि वो भी कलर चला गया। ठीक है, तो हमें ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगा, हम समझेंगे कि इसमें कोई बैक्टीरिया है ही नहीं और गलत रिपोर्ट चली जाएगी। ठीक है, तो डीकलराइज करते समय बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद अगली स्टेप आती है हमारी लास्ट, अप्लाई सेफ्रेनिन फॉर 1 मिनट। उसके बाद हम ऐड करेंगे क्या,
सेफ्रेनिन, जो कि क्या है, एक काउंटर स्टेन है। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो तो पर्पल कलर के दिखाई देंगे, अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि डीकलराइज से कलरलेस हो गए थे, वो सेफ्रेनिन ऐड करने के बाद में कौन से कलर के हो जाएंगे, यहाँ पर रेड कलर के हमें दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि काउंटर स्टेन जो है वो हमारी रेड कलर की है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि प्राइमरी स्टेन जिसने स्टेन करी है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसने काउंटर स्टेन स्टेन करी है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये हमारी स्लाइड तैयार हो गई है, देन हम उसको वॉश पे एयर ड्राई वॉश कर लेंगे टैप वाटर में। वॉश करने के बाद हम उसको एयर ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, सूखने के लिए छोड़ देंगे, सूख जाएगी, उसके बाद में हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे 100x ऑब्जेक्टिव, 100x पर ऑब्जेक्टिव पर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का बैक्टीरिया का पिक्चर दिखाई देगा। तो ये है हमारे ग्राम्स बैक्टीरिया, ग्राम्स पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेनी है, बाकी हम इसको नॉर्मली भी यूज करते हैं तो हमें ये पता होना ही चाहिए अच्छे से। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये जो कि ये पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि पिंक या फिर रेड कलर के हमें दिखाई देते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने नीचे लिखे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, ये स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो कि पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे। तो ये जैसे ग्राम नेगेटिव है ईकोलाई, साल्मोनेला, और भी कई टाइप्स के बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो इनको याद करने के लिए आप एक अच्छा सा चार्ट बना लें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का चार्ट अलग बना लिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का चार्ट अलग बना लिया, आपको भी याद रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा, प्लस आपका रिविजन आप करोगे तो आसानी से हो जाएगा, फिर एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं इनको इस तरीके से याद रखती हूँ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का चार्ट अलग बना लिया, फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का चार्ट अलग बना लिया, उसमें कोकाई का अलग बना लिया, बैसिलाई का अलग बना लिया कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन कौन सी है, ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन कौन सी है, इस तरीके से तो वो याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में एक और डायग्राम बनाया है ग्राम स्टेन का, कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कि जब हम फिक्स करते हैं स्लाइड को तो इसमें कोई कलर तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कलर तो हम जब डाई डालेंगे तब दिखाई देगा। फिर आता है क्रिस्टल वायलेट, तो क्रिस्टल वायलेट हम डालेंगे तो दोनों आपको यहाँ पर पर्पल कलर की दिखाई दे रही है, दोनों ने कलर को ये किया है, रिटेन किया है। फिर हम आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं, तो आयोडीन ट्रीटमेंट करने के बाद इसने कलर लिया है तो यहाँ पर इसकी भी बाइंडिंग करके रखता है और इसकी भी करके रखता है, लेकिन जब हम डीकलराइजर यूज करते हैं तो डीकलराइजर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर की सेल वाल जो है वो थीन होती है, उसके अंदर की जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है वो थीन होती है, इसके कारण ये आसानी से डीकलराइज हो जाता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, इसी कारण से वो डीकलराइज नहीं हो पाती है। और जब काउंटर स्टेन से स्टेन करते हैं तो जिस बैक्टीरिया ने कलर नहीं लिया था वो रेड कलर को ले लेगा और उसको हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जबकि जो शुरुआत से जो कलर लिया है प्राइमरी स्टेन जिसने रिटेन करी है वो आप डीकलराइज करने के बाद भी डीकलराइज नहीं हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप इसको अच्छे से याद कर ले, समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्राम्स बैक्टीरिया आप पढ़ोगे सभी में ग्राम स्टेनिंग का रोल है, ठीक है, क्योंकि इनको डिफ्रेंशिएट ही इसके इस स्टेनिंग के आधार पर किया गया है। तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।